चैनल, टुडे आई एम हियर विद माय न्यू रेसिपी। इसका नाम है वघारी। ओके, यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, व्हाट इज दिस वघारी? मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने नहीं सीखा था। आज के बाद आपके लिए न्यू नहीं रहेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक दिस वघारी। ओके, यू कैन सी दिस इज अ ब्रदर ऑफ दैट पिकल। हम जो कैरी का अचार बनाते हैं उसके जैसा ही है, बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंट इन बिटवीन दिस टू, दैट जो अचार है वो बनाने में 10 दिन लग जाते हैं, कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, और ये वघारी बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये वघारी कितने दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज वो अचार तो हम 12 महीने तक पूरा खाते हैं, सो देयर इज नो क्वेश्चन। बट येस, यू कैन स्टोर दिस वघारी फॉर 15 डेज इन द फ्रिज। सो इफ यू डू वॉन्ट टू सी दिस वघारी, सी हियर, इट लुक्स लाइक पिकल, है ना? सो इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो बिफोर स्टार्टिंग दिस रेसिपी, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस रेसिपी। ये कैरी, जो कच्ची कैरी मैंने ली थी, कुछ इस तरह ऐसे मीडियम साइज के अंदर मैंने काट दी है, और ये 1 कटोरी गुड़ एंड 1/2 कटोरी शुगर। तो इसके अंदर एक मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है आपको, कि कोई भी एक कटोरी, जैसे कि मैंने ये कटोरी का मेजरमेंट लिया है, तो ये ही कटोरी भर के, 2 कटोरी भर के ये कच्ची कैरी है, ये सेम। सो अगर 2 कटोरी कैरी है तो उसकी 1 कटोरी आपको गुड़ लेना है, और उसी सेम कटोरी की 1/2 कटोरी शुगर लेनी है, राइट? नाउ और जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं वो है ये दाना और वरियाली, दोनों का पाउडर मैंने रेडी किया है, दैट इज़ 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेज पत्ता, दिस इज़ तेज एंड लौंग, दोनों का पाउडर है 1 टीस्पून, एंड दिस इज़ 1 टीस्पून हींग, और ये 1 टेबल स्पून राई, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट, एंड रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टेस्ट, एंड ये सेम कटोरी पानी भी लेना है हमें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने एक कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई के अंदर तेल भी 4 to 5 टेबल स्पून रख दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। जब ड्राई फूट जाए तो सबसे पहले डालेंगे हींग, तेज पत्ता, और एक तज एंड लौंग का पाउडर, देन दिस मेथी दाना, और कैरी। नाउ मिक्स दिस वेल। नाउ एड 1/4 टेबल स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, सो ये कलर बहुत अच्छा है इसका, एंड टू एंड हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। ये वो दाना और वरियाली का पाउडर,
एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज वाटर। कटोरी पानी और एक कटोरी गुड़ एंड हाफ कटोरी शुगर। फ्लेम फास्ट करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से उबाल आ रहा है साइड से, तो अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। और गैस फास्ट ही रखना है। बीच में हम इसे खोल के चेक करेंगे। इसे ओपन करके हम बार बार चेक कर रहे हैं। आप पटेटो की सब्जी कैसे चेक करते हो अगर वो पक गई है कि नहीं? सो इसे भी हमें बार बार ऐसे ही चेक करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट गैस के कारण जल रहा है तो आप स्लो भी कर सकते हो। इट इज़ ऑलमोस्ट कुक नाउ। और ये कुक हो गई है। आपको कैरी को एकदम ढीला नहीं करना है, उसे मतलब मीडियम से रखना है कि ना एकदम कच्चा ना पका बीच में। सो एंड इट इज़ डन। सो गैस को ऑफ कर देंगे राइट। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम कोई भी डब्बे में रख के फ्रीज में 15 डेज तक रख के खा सकते हैं।